सौतेली मां का एक ऐसा क्रूर चेहरा सामने आया है जिसने 3.5 साल के बेटे को पीट पीट कर मार डाला। दिल दहला देने वाली ये घटना ठाणे जिले के डोंबिवली की। मृतक लड़के का नाम कार्तिक बताया जा रहा है और पुलिस की गिरफ्त में आई ये वही बेरहम सौतेली माँ है जिसने लात घूसे से कार्तिक की पिटाई। जब इससे दिल नहीं भरा तो इसने कार्तिक को तार से भी पीटा। आपको बता दें कि संजय जायसवाल जो चाय बेचने का धंधा करता है और अपनी बीवी अमिता देवी और अपने बेटे कार्तिक के साथ डोंबिवली के गोग्रेस बाड़ी में रहता है। सौतेली माँ अक्सर कार्तिक को पीटा करती थी मगर किसी को क्या पता था कि ये सौतेली माँ इसके जान भी ले ली। पुलिस के मुताबिक बेहोशी के हालात में घर में कार्तिक मिला जिसके बाद उसके पिता संजय उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। कार्तिक की स्थिति काफी गंभीर होने पर उसे कलवा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान कार्तिक ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। कार्तिक की मौत पर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो इस जल्लाद बेरहम सौतेली माँ का चेहरा बेनकाब हो गया जिसकी पिटाई से 3.5 साल का कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस सौतेली माँ पर पुलिस ने 302 के तहत FIR दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर पुलिस स्टेशन ला खुनाचा गुन्हा दाखल असून गोगरसवाड़ी या ठिकाणी राहणारे संजय जयसवाल हे चहा विक्रीचा व्यवसाय करतात। त्यांची पत्नी अमिता देवी ह्या दुसऱ्या पत्नी आहेत। त्यांच्याकडून मुलगा कार्तिक हा 3.5 वर्षाचा मुलगा आहे। त्याला निर्गुणपणे वेळोवेळी मारहाण करून कोणत्याही हातात मिळाल त्या घरातील हत्याराने वायरने मारहाण करून त्याला जखमी करून मयत झालेला आहे। त्याबाबतीत प्रथमतः आम्ही अकस्मात मृत्यू रजिस्टर केला होता आणि संपूर्ण चौकशी आणि मेडिकल रिपोर्ट्स याच्यावरून आम्ही सरकारतर्फे त्या महिलेच्या विरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्या महिलेला अटक करून कोर्टात हजर केलेला आहे। सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास सध्याचे प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सरडे हे करत आहेत आणि या संपूर्ण टिळक नगरच्या टीमनं चांगला तपास केलेला आहे। का खून केला काय कारण माहिती कळलंय का? थोडंसं सावत्र आहे या नात्याने त्यांना स्वतःला एक मुलगी आहे आणि हा सावत्र मुलगा आहे या दृष्टिकोनातून त्याला हे मारहाण केल्याचं निष्पन्न होत आहे। हे गोग्रसवाडी या ठिकाणी देखील आता नव्यानेच राहण्यात आलेलं आहे। त्या बाबतीतला पूर्व इतिहास आणि हिस्ट्री पूर्वी राहण्याचं ठिकाण वगैरे वगैरे ते चौकशी निष्पन्न होईल।